हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन। आज सीखने वाले हैं थोड़े से ऐसे और शॉर्टकट्स कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जो जनरली अगर आप अटेम्प्ट करो तो काफ़ी मिनट्स वेस्ट हो जाते हैं, 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट तक वेस्ट हो जाते हैं। तो लेकिन हम लोग कुछ टाइम को बचा सकते हैं और शॉर्टकट मैथड को अपना सकते हैं। ठीक है बच्चों, जहाँ तक ज्योमेट्री की बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री निकालो तो सर्कल आता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री आप अगर आप निकालो तो इलिप्स भी आ सकता है, हाइपरबोला आ सकता है, स्ट्रेट लाइन भी आ सकता है, बहुत सारी चीज़ छुपी हुई हैं इसमें। तो इसको फाइंड करने के लिए एक शॉर्टकट तरीका है जो हमारे टाइम और एनर्जी को बचाने वाला है। तो बच्चों ध्यान से देखना है और ध्यान से लिखना है, नोट डाउन करना है सब चीज़। ठीक है बच्चों, सो बी केयरफुल। ठीक है, तो लिखते जाना है। मान लेते हैं हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए है Z1, है ना, एक पॉइंट है उसका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कोऑर्डिनेट Z1 है, और बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो Z2 है। ठीक है, और फिक्स पॉइंट्स, ठीक है, और फिक्स्ड पॉइंट एंड पी एक पॉइंट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z को रिप्रेजेंट करता है, ये मूव करता है, मूव्स इन ए प्लेन। ठीक है, तो जब भी कोई पॉइंट मूव करता है ना, तो हमारे को बोला जाता है फाइंड द लोकस। ठीक है ना, तो उस लोकस को कैसे फाइंड किया जाए उसके मैं तरीके आपको बता रहा हूं। तो ध्यान से देखना है बच्चों, पॉइंट नंबर वन हमारे पास जो मेथड है, ध्यान से देखना है, मॉड ऑफ Z-Z1 प्लस मॉड ऑफ Z-Z2 इज इक्वल टू के। के कोई कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी एनी नंबर, ठीक है। तो हम लोग यहां पर देखने वाले हैं कि कंडीशंस आपको लिखने हैं कि अगर k नॉट इक्वल टू z1 माइनस z2 है, दिस एंटायर थिंग विल बी इलिप्स। ठीक है ना, ये पूरा इलिप्स होगा। अगर k इज इक्वल टू आ जाता है मॉड ऑफ z1 माइनस z2, तो ये आपको मिलने वाला है लाइन सेगमेंट। क्या मिलने वाला है? लाइन सेगमेंट, मतलब ए बी जो मिलेगा वो एक लाइन मिलेगा। ठीक है, पॉइंट ए और बी और जेड मिलके आपको एक लाइन आपको देने वाले हैं। दूसरा है कंडीशन नंबर टू, स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं, आपको सॉल्व करने के एग्जाम में जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है अगर ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व किया जाए तो। दूसरा है मॉड ऑफ Z-Z2 माइनस मॉड ऑफ Z-Z1 इज इक्वल टू के। ठीक है, इसके लिए अगर हम लोग लिखते हैं के नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, देन इट इज ए हाइपरबोला। अगर इक्वल हो जाता है ना के इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2, देन ए बी लाई, ए बी जो पॉइंट है वो किसी लाइन पे लाई करेंगे, ए टू बी लाइन ए बी। ठीक है, लाइन बनेगा वो। थर्ड केस अगर मैं लिखता हूँ मॉड ऑफ Z-Z1 अपॉन Z-Z2, ये मुझे मिलता है अगर k, ठीक है, और k यहाँ पे 1 आ जाता है, सपोज k इज इक्वल टू 1, देन बाइसेक्टर ऑफ ए बी, देन दिस थिंग रिप्रेजेंट्स बाइसेक्टर ऑफ बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। और यहाँ के अगर 1 नहीं आता है, के अगर 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो दिस इंटायर थिंग विल बिकम ए सर्कल। ठीक है बच्चों, ध्यान से लिखते जाओ। कंडीशन नंबर 4, z प्लस ऑफ z बार
प्लस जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू के अगर है तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये पूरा का पूरा आपको स्क्वायर मिलेगा ना, ये पूरा आपको चार साइड देगा स्क्वायर का, सॉल्व करेंगे ना तो चार साइड मिलने वाला है स्क्वायर के। ये कंडीशन अगर आप लिख लेते हो तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम लोग मिनटों में कर लेंगे, सेकंड्स में कर लेंगे, सॉरी मिनटों में कहाँ, सेकंड्स में करने वाले हैं। तो इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, इस पर क्वेश्चन करके देखते हैं, इसको लिख लो बच्चों जल्दी जल्दी। ठीक है ना, ये सारे कंडीशंस हमारे को मालूम है तो बड़े आराम से धमाकेदार क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास मॉड ऑफ जेड प्लस टू है माइनस मॉड ऑफ जेड माइनस टू दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री है, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री। ठीक है, तो ये पूरा चीज मुझे क्या देगा, तो आप ऊपर जाओ, सेकंड कंडीशन जो हम लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू क्या है, ये आप चेक करो। मॉड ऑफ जेड वन जो जेड टू होता है ना वो इसके साथ वाला, ये जेड वन होगा ये जेड टू होगा। ठीक है, तो अगर आप कंपेयर करोगे इक्वेशन सेकंड से, कंपेयर करेंगे इक्वेशन सेकंड से तो क्या लिखेंगे, जेड माइनस ऑफ माइनस टू ऐसे लिख सकते हैं, माइनस जेड ऑफ माइनस टू, यहाँ पे माइनस होना जरूरी है। बोलो सर आपने इसको ऐसे क्यों लिख लिया, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है ना बेटे आपको, तो यहाँ माइनस होना जरूरी है, तब ये रिप्रेजेंट करेगा जेड वन और ये रिप्रेजेंट करेगा जेड टू। ठीक है ना, दोनों को लिखो मॉड के बीच में, ये माइनस टू है और ये भी जेड टू, भी जेड टू टू है, जेड वन इज माइनस टू जेड टू इज टू। ठीक है, ये तो आपको क्या मिलेगा, मॉड ऑफ माइनस फोर, मॉड ऑफ माइनस फोर का मतलब फोर ही हो गया ये। तो कंडीशन में आप चेक करो कि हाइपरबोला कब होता है, यहाँ पर क्या k के इक्वल है, k तो यहाँ थ्री है, सो मॉड ऑफ जेड वन जेड टू, मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू इज नॉट इक्वल टू थ्री, k तो यहाँ थ्री है ना, नॉट इक्वल होगा तो ये पूरा चीज मुझे क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला, दिस इंटायर थिंग बिकम्स हाइपरबोला। हाइपरबोला में आपने देखा होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है, तो माइनस तो है बीच में, वैसे रिप्रेजेंट तो कर ही रहा था ये, है ना, तो छोटे छोटे हिंट पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो वी कैन डू फार बेटर। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, अगर हमारे पास है मॉड ऑफ जेड माइनस वन प्लस मॉड ऑफ जेड प्लस वन इज इक्वल टू फोर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो आप इसमें देखोगे पॉइंट नंबर वन, यहाँ बीच में प्लस है ना, वैसे प्लस देख के ही बोल देते हैं हम लोग इलिप्स का है, क्योंकि इलिप्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो बीच में प्लस है यानी कि इलिप्स होगा। फिर भी आप चेक कर लो, इलिप्स के लिए क्या कंडीशन था हमारे पास, के शुड नॉट बी इक्वल टू जेड वन माइनस जेड टू, यही कंडीशन था ना, तो क्या ये कंडीशन आता है, ऑफकोर्स आएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, माइनस वन माइनस ऑफ माइनस वन दिस वन, तो यहाँ पे जो जेड वन है वो क्या है, माइनस वन, जेड टू भी माइनस वन, सॉरी ऊपर वाले के जेड वन प्लस है, क्योंकि जेड वन जेड टू क्या होता है, माइनस के बाद जो नंबर है वही जेड वन जेड टू होता है, माइनस के बाद यहाँ जो नंबर है वही जेड वन जेड टू होता है, तो जेड वन वन हो जाएगा, जेड टू माइनस वन होगा, हमें निकालनी है मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, ये तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वन माइनस ऑफ माइनस वन, ये मॉड ऑफ टू हो गया, मॉड ऑफ टू दैट इज नॉट इक्वल टू फोर, यानी कि ये कंडीशन मेट कर गया, के नॉट इक्वल टू जेड वन माइनस जेड टू, अगर मेट कर जाता तो कुछ और होता, ठीक है ना, ये कंडीशन मेट कर गया तो इसके लिए क्या होता है, इलिप्स, ये इलिप्स होता है ना। ये सब क्वेश्चंस जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और करके देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं,
अगर मेरे पास है मॉड ऑफ जेड माइनस फाइव आई प्लस मॉड ऑफ जेड प्लस फाइव आई माइनस फाइव आई और प्लस फाइव आई इज इक्वल टू एट दिया गया है, तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। ठीक है ना, तो वापस आप चेक करोगे प्लस वाले में जाके, कंडीशन नंबर वन जो मैंने लिखवाया था उसमें जाके चेक करोगे कि मॉड ऑफ जेड वन जेड टू एट के इक्वल है क्या, है कि नहीं है। तो एट के इक्वल तो आ ही नहीं सकता, तो क्या होगा, इलिप्स होगा। ठीक है ना, है इक्वल, करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। हमारे पास है जेड माइनस फाइव आई जेड माइनस ऑफ माइनस फाइव आई, तो जेड वन क्या होगा, ये आई है, जेड वन है फाइव आई और जेड टू क्या है माइनस फाइव आई, तो मॉड ऑफ जेड वन माइनस ऑफ जेड टू ये हो जाएगा टेन आई, मॉड ऑफ टेन आई, मॉड ऑफ टेन आई तो सिर्फ टेन होगा, राइट, दैट मीन्स नॉट इक्वल टू एट, यानी कंडीशन मेट कर गया नॉट इक्वल टू के वाला। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू के है, इसका क्या मतलब हुआ, है ना, नॉट इक्वल टू के, ये तो इलिप्स वाला केस था हमारे पास, इलिप्स वाला केस था, सो दिस थिंग रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट।